हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता, माय मॉम्स फूड मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे छोले बिल्कुल हलवाई जैसे, और वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने छोलों को रात भर भिगो के रख दिया था और मैंने इसमें खाने वाले सोडे का यूज़ नहीं किया है। और हम छोलों को आप निकाल लेंगे, कुकर में डाल दिया है। और इसमें हम साफ पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास पानी मैंने डाला है इसमें। और 1 चम्मच चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में बॉईल कर लिया है। और इस पानी को हम छान के कुकर में डाल देंगे। और यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज़पत्ता, 5-6 लौंग हैं, 7-8 काली मिर्ची, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, इनको भी हम इसी में डाल देंगे। चाय की पत्ती के पानी से दोस्तों कलर बहुत अच्छा आता है छोलों में। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे बंद करके। और इसमें हम 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। 5 से 6 सीटी लगाने पर अगर आपके छोले बॉईल ना हो तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। और ये देखिए, छोले हमारे बॉईल हो गए हैं अच्छे से। ये देखिए, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अब जो इसमें खड़े मसाले हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। जो इनका फ्लेवर था छोलों में आ चुका है, तो इनको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने निकाल लिए हैं। और अब इनके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। 3 बड़े टमाटर मैंने जार में डाले हैं, और हरी मिर्च और अदरक भी मैंने डाल दिया है। इनको हम दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए, मैंने दरदरा पीस तैयार कर लिया है। और इसे छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई रखी है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। लोहे की कढ़ाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तेल गर्म हो गया है, डाल मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 चुटकी हींग डाली है, और 4 लौंग और 4 काली मिर्च को मैंने दरदरा कूट के इसमें डाला है। और इसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें 2-3 मिनट पकाना है, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यह है अनारदाना दोस्तों। इससे छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल हलवाई वाला। ये हलवाई भी इसी का ही यूज़ करते हैं। ये किसी पंसारी शॉप पे आपको मिल जाएगा। और मसालों को हमें जब तक तेल अलग ना हो जाए मसालों से, तब तक पकाना है। और देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। और इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम 1 बॉईल आने देंगे। और ये देखिए, 1 बॉईल आ गया है। और अब हम इसमें अपने छोलों को ऐड कर देंगे। सारे छोले मैंने डाल दिए हैं और अब इनको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़े से लटपटे हमें छोलों को बनाना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करेंगे। और इनको अब हम बॉईल होने देंगे। और ये देखिए, छोले बॉईल हो गए हैं अच्छे से। इसमें अब हम फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और अब इसमें मैं गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया और 1 नींबू का रस। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे, तभी नींबू का रस डालें। और ये देखिए दोस्तों, हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
बिना प्याज और बिना लहसुन के भी हलवाई जैसे छोले घर पे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने बनाए हैं, अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल हलवाई वाला ही टेस्ट आएगा छोलों में। और ये देखिए ग्रेवी इसकी कितनी अच्छी है लग रही है। और इनको सर्व कर लेते हैं अब। दोस्तों ये छोले खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेंगे अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। और ये देखिए हमारे छोले भटूरे की प्लेट रेडी हो गई है। अभी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।